देख रहे हैं बीबीसी सिटी न्यूज। यहां ताजा तरीन खबर से आगाह करते चलें। कराची में गुज़श्ता 4 दिनों में दूसरी बड़ी आग, ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। रात को करोड़ों रुपए के मालिक सोने वाले सुबह रोड पर आ गए। कोऑपरेटिव मार्केट के बाद विक्टोरिया सेंटर में कपड़े की दुकानें और गोदाम मुकम्मल खाकस्तर हो गए। विक्टोरिया सेंटर में आग के बाद के इलेक्ट्रिक ने इलाके की बिजली मुनक़ता कर दी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल ने हिस्सा लिया। एक के बाद दूसरी मुतवातर आग और इमदाद में सुस्त रवि पर फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी का पोल खुल गया। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद अदरीस समेत ताजर रहनुमाओं ने विक्टोरिया बिल्डिंग में आग लगने पर तशवीश का इजहार किया। फायर ब्रिगेड के देर से आमद और पानी मयसर ना होने के बायस रेस्क्यू का अमल हमेशा ताखीर का शिकार होता है। आखिर कब तक ताजर व दुकानदार फायर ब्रिगेड की सुस्त रवि के बायस नुकसानात उठाते रहेंगे? हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो आग के वाकयात में होने वाले नुकसानात को अजाला करे। सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद कराची काबले कबूल फायर ब्रिगेड की बुनियादी सहूलत से महरूम नज़र आता है। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीसी सिटी न्यूज़ कराची। आप देख रहे हैं बीबीसी सिटी न्यूज।